हाय एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं हम बाहर आ चुके हैं। देव की मस्ती चालू है। बस हमने सोचा हम जो घूमने जाने से पहले कुछ खा लें। तो रोज़ तो वाइफ बनाती है, लेकिन आज हम रुक के उसे बाहर का छोले भटूरे खिलवा रहे हैं। तो बस हम छोले भटूरे खाएंगे यहाँ से, उसके बाद फटाफट हम निकलेंगे अग्रसेन की बावली, जो कि सीपी में कनॉट प्लेस के पास कस्तूरबा गांधी मार्ग में स्थित है। तो अब हम वहाँ घूमने जाएंगे और आपको लेकर चलते हैं अग्रसेन की बावली। सब यहाँ खैरियत से, आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो बस ये रास्ते का व्यू है। एज यूजल हम हमारी बाइक और हम निकल पड़े। ये बीच का एरिया रेजिडेंशियल एरिया है, बीच में से कुछ है नहीं दिखाने का, बस ये चल रहे हैं। रास्ते में मिल गया है हमको जाम। तो अब हम सुनते हैं सुनेंगे गुरु रंधावा का सॉन्ग। यहाँ पे किसी का आए हम बाराती बारात लेके चल रहा है। बेसिकली ये बारात का रथ है। इनको बहुत दिक्कत होती है ऐसे ट्रैफिक में। बेचारा एक इनके साथ का बंदा आगे घोड़े को मैनेज कर रहा है ताकि वो बितके ना। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं इंडिया गेट के एरिया में। इंडिया गेट, चाणक्यपुरी और 11 मूर्ति है। दिल्ली का सबसे ग्रीनरी वाला एरिया है। आप देख सकते हैं अभी पूरा एरिया खाली है, क्योंकि इंडिया गेट अभी नहीं खुला है। ये चिल्ड्रंस पार्क है, वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। इवन ये इंडिया, खैर चिल्ड्रंस पार्क तो छोड़ो, हम इंडिया गेट भी अंदर नहीं जा सकते। ये तो आपको ज़रूर अंदर से दिखाया होता। ये पूरा एरिया ब्लॉक है बेसिकली। अभी यहाँ अभी ओपन नहीं किया है आम पब्लिक के लिए। तो जब ये जैसे ही ओपन होगा मैं बिल्कुल आप लोगों को यहाँ लेके जाऊँगा। हमने अपनी बाइक सीपी में खड़ी कर दी है और वहाँ पे बावली के पास पार्किंग नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ पे ऑटो के सिर्फ मात्र केवल 30 रुपीज़ में हम बावली तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि सीपी के पास में ही हमने बाइक पार्क करी है। लेकिन देव को ऑटो में बैठ के भी ऐसा मज़ा आ रहा है कि पता नहीं उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो बौरा गया है, मस्ती किए जा रहा है बस। ये 12 खंबा रोड की रेड लाइट है, बस हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसको जैसे ही पार करेंगे हम केजी मार्क में पहुँच जाएंगे और फिर हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। बावली में एंट्री बिल्कुल फ्री, मुफ्त फ्री मुफ्त फ्री मुफ्त है। तो बस आप एंट्री करें और अंदर जाइए और बावली के मज़े लीजिए। तो बस मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी वहाँ पे अपनी एंट्री कर रहा हूँ। तो अपनी एंट्री करने के बाद हम चलेंगे बावली। बावली का आउटर व्यू है ये, मेरा लाल, इसको हर जगह हंसना होता है। इसको ऐसा लग रहा है कि हम कितनी जल्दी चले जाएं। उसका बस चलता तो मेरे को एंट्री भी नहीं करने था, कहता सीधा अंदर चलो। अग्रसेन की बावली का निर्माण राजा अग्रसेन जी द्वारा कराया गया था। बेसिकली ये कुआं है जिसमें 105 सीढ़ियाँ नीचे जाई जाती है। पानी की किल्लत और कमी को दूर करने के लिए ये बनाया गया था। यहाँ पे पीके सुल्तान, कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है, उसके बाद ये बहुत फेमस हो गई। इसी बावली के नाम पे एक डाक टिकट भी बनाई गई थी। बेसिकली ये एक तरीके का, पहले तो उतना फेमस नहीं था आज से कई साल पहले, लेकिन जब लगातार शूटिंग हुई 2-3 पिक्चरों की इस पर, तो ये इतना फेमस हो गया कि बेसिकली एक दिल्ली का ये लवर पॉइंट भी बन चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे लव लपाटा भी लोग करने आते हैं। तो खैर लव लपाटे को अवॉइड करें और आप बच्चों को भी घुमाने के लिए यहाँ पर ला सकते हैं। बाकी हमारे इतिहास की धरोहर, ये धरोहर को देखने के लिए बिल्कुल आइएगा, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। यहाँ का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे ये हर थोड़ी देर में उड़ते हुए कबूतर भी है। यहाँ पे हर थोड़ी देर पे कबूतर का झुंड उड़ता हुआ नज़र आता है, जो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगता है। और ये ऐसी अच्छी जगह है कि आप मतलब घंटों यहाँ बैठ सकते हो, इन कबूतरों को, इन दीवारों को निहारते रह सकते हो। आने वाले हैं इसलिए हम आज तो सीधी जा रहे हैं।
मजा आ चुका है, मजा तो दो और तो मजे आ जाए। बावला आया बावला। हाँ बस आपको यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है कि आपको पिक क्लिक करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हर आदमी अपनी पिक क्लिक करता रहता है। तो वहाँ जैसे मैं भी वेट कर रहा हूँ कि वो स्पेस खाली हो तो मेरा बेटा जाए, मेरी वाइफ जाए और वहाँ पे पिक क्लिक कर सकें हम लोग। खड़े रहो। ये अच्छा है थोड़ा सा। रुक जाना। तो फाइनली हम लोगों को भी जगह मिल गई हमारी फैमिली फोटो शूट करने के लिए। तो बस हम लोग भी अब थोड़ी सी फोटो खींच लेते हैं, एज यूजुअल सभी को जरूरत होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक समय यहाँ का पानी काले रंग का भी हो गया था, तो यहाँ पे सुसाइड पॉइंट जैसा भी हाल हो चुका था बोलते हैं, ऐसा मैं सुना हूँ, सच मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब पानी बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा हुआ होता था तो अपना दिल्ली 6 के बहुत से लोग यहाँ पे स्विमिंग करने भी आया करते थे। ये कितना सच है कितना झूठ मैं एग्जैक्टली प्रमाण के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन ये सब सुनी सुनाई कहानियाँ हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुना हूँ। देखो याद है सुल्तान मूवी पूरी, वहां से आ रहे थे, कहां से आ रहे थे पता? सर मूवी याद है, पैसा खर्चे किए थे तो वसूली है पूरी। वो भी याद है, वो याद है स्टेज है। स्टेज से भी ज्यादा। शुरू इसका गवारी नाचा। गवारी नाचा इसलिए था ना, अबे स्क्रीन छोटी क्यों दिख रही है ये। डांस डांस।
चलो गया? बैठ लो बाहर का जाते जाते आइसक्रीम खाएगा तो नहीं थकेगा ना। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको। नहीं अंकित भाई ने आगे बंद कर लिया, अंकित भाई ने आगे बंद कर लिया। चलो चलो भाई क्या करता है नीचे का पूरा लुक बन रहा है भाई थोड़ा सा। इसको बोलना प्लीज मत हिलाए, बोलना प्लीज मत हिलाए। उड़ते हुए कबूतर आ रहे हैं, इक्के दुक्के इक्के दुक्के इक्के दुक्के। हो गया यहाँ मेरा बेटा बैठ के थक गया, कहता पापा थोड़ी देर मेरे को बैठने हैं, तो मैंने कहा चल ठीक है बैठ जा। फिर यहाँ उसने पिक भी क्लिक करवा ली और फिर मस्ती भी करने लगा। चलो बावली हम घूम चुके हैं अभी, हमारे लेकिन दिन बचा हुआ है तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी बाइक के पास और वहाँ से हम निकलेंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। हम आपको इसको का पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और आपको दूसरी जगह फिर आगे दिखाते हैं।